ट द फैक्ट दैट एन एक्टर इज ऑल्सो ह्यूमन वो भी कभी मूड स्विंग्स से जा सकता है या जा सकती है कि जैसे अगर कोई आया आपके पास और आपसे पिक्चर मांगा और विदाउट इवन योर नॉलेज आपने मना कर दिया होगा कि नहीं बहुत सारी कहानियां बनती है कि इंडस्ट्री you know, के लोग सही नहीं होते कभी भी लड़कियों के साथ गलत हो सकता है इट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द गवर्मेंट

आप कैसे हो पहले ये बताओ मैं एकदम ठीक हूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं गाइस एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए फॉर रेजी कम ऑन हम सभी के लिए सबके लिए कैसे चल रही है लाइफ लाइफ जस्ट रॉकिंग जिंगा लाला जिंगा लाला एकदम आप <laughs> हमेशा yeah. ऐसे हैप्पी मूड में होते हो ना या 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 आई आई हैव लर्न टू बी हैप्पी इन माय लाइफ आई हैव लर्न टू लुक फॉर द हैप्पी मोमेंट्स इन माय लाइफ ऐसा क्यों मतलब कुछ बाद में चेंज हुआ कि नहीं नहीं जैसे बहुत मैंने लाइफ uh, में ना सिचुएशंस ऐसी बहुत आती है जहाँ पे आपको थोड़ा अपसेट हो जाता है या थोड़ा डिप्रेस uh, हो जाते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड पर अपसेट आई थिंक डिसअपॉइंट हो जाते हैं एंड देन यू फेट टू लुक फॉर दैट सिल्वर लाइनिंग इन दैट सिचुएशन सो आई थिंक आई हैव चेंज माई थिंकिंग कभी ऐसे रिसेंटली अभी हुआ है कि आपके पास एक कोई चीज है और उसकी वैल्यू बहुत लेट पता चली हाँ है ऑबवियसली ये मेरे साथ हुआ दो दिन पहले इसलिए मेरे दिमाग में सवाल आया पहले आप बताओ अभी नहीं आई I मीन mean, काफी टाइम पहले ये रियलाइजेशन हुआ है मुझे बट द थिंग इज दैट जिंदगी की दौड में जिंदगी के चीजों की चेज में वी फॉरगटन आवरसेल्व्स यू नो सो इट्स वेरी वेरी sad कि आप खुद को नहीं जानते हो आप खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हो हालांकि आपका रिलेशनशिप आपसे सबसे पहले स्ट्रांग होना चाहिए तो दैट इज समथिंग दैट आई लर्न ओवर द दैट आई इन दिस रैट रेस आईव फोगॉटन माई सेल्फ सो नाव मतलब पहले ऐसे होता था कि यार बोर हो रहे यार नहीं नहीं बैठना है बहुत बोर अकेले अकेले बहुत, बहुत बोर हो रहा है नाउस लाइक मुझे अकेला छोड़ो प्लीज आई वांट टू स्पेंड टाइम विद माय सेल्फ आपने अभी वाला एग्जांपल दिया ना ये हाँ

टू मैनी पीपल टू टू मच ऑफ कॉम्पिटिशन एंड इन दैट क्या हो जाता है आप खुद की वैल्यू भूल जाते हो लाइक सम वन समबडी इज़ डूइंग बेटर देन यू आप वो 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 चीज़ को लेकर अपसेट हो जाते हो यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है बट यू हैव फोगॉट इन दैट वॉट जर्नी यू हैव हैड ऑलरेडी एन यू हैव रीड समवेर इन योर लाइफ वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते उसके ऊपर पॉन्डर नहीं करते उसके ऊपर नहीं सोचते पर कोई अगला बंदा या अगली बंदी आपसे चार कदम आगे निकल जाए तो आप उसके ऊपर फोकस करना शुरू hmm. कर देते हो विच इज़ रॉन्ग या yeah, ये बाद में चेंजेस आए कि पहले से आपका थिंकिंग वैसा था नहीं पहले मतलब मैं सोचती थी यार मेरे साथ मेरे साथ ऐसा क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों एंड देन आई समवेयर फॉरगॉट टू एक्नॉलेज द फैक्ट वेयर आई केम फ्रॉम टुडे द थिंग्स दैट आई हैव आई मे बी कुछ साल पहले बहुत साल पहले मैंने वो मांगी थी hmm. आज वो मैनिफेस्ट हुई है मिल गई तो अब उसकी वैल्यू नहीं है मुझे कुछ और चाहिए मैनिफेस्ट करना मैं कल परसों अपने दोस्तों यहां डिस्कस कर रहा था आई नो बहुत स्टार्टिंग में बहुत सीरियस डिस्कशन हो गया बट <laughs> क्योंकि ये फ्लो में आ रहा है हाँ. uh, मैं पहले पहले मेरा थिंकिंग बहुत अलग था मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ ठीक है पहले मुझे ऐसा लगता था कि अगर एक चीज मुझे नहीं चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ब्रेकअप हो गया एंड इफ आई थॉट की द गर्ल वॉज रॉन्ग फॉर मी तो मुझे लगता है कि यार ऐसे वापस ऐसा नहीं होना चाहिए वापस मेरे साथ जो भी कुछ प्रॉब्लम हुए बट उसके वजह से क्या हुआ ना वैसे ही लोग मेरे लाइफ में आने लगे

लाइफस्टाइल का जो लिविंग uh, पार्ट है वो ऑब्वियसली अपग्रेड हो गया है बहुत मटेरियल uh, वाइज बहुत अपग्रेड हुए लाइफ के अंदर uh, और थिंकिंग uh, वाइज मैं कहूँ काँग, मैं कहूँगी कि मैं थोड़ी और ज्यादा ग्राउंडेड हो गई हूँ क्यों ऐसा पता नहीं <laughs> ऐसे सोचा नहीं है कभी वेयरएवर माय फीलिंग्स वेयरएवर माय थॉट्स लेड मी एंड आई लाइक हंबली फॉलोड दोस थिंग्स कभी ऐसे वॉर में फंसे हो दिल और दिमाग के दिल कुछ और बोल रहा है दिमाग कुछ और बोल रहा है नहीं नहीं, नहीं। उसके पहले भी एक चीज आती है वो एक गट फीलिंग अब उसपे ट्रस्ट करते हो हाँ। बहुत अच्छे से एंड इट्स पॉजिटिव साइड या आप ओवर थिंकर नहीं हो ना वैसे नहीं अभी नहीं अच्छा वो भी चेंज हुआ है हाँ। मतलब जो जो मेरे सवाल है आप वो ऑलरेडी चेंज हां वो वो सब चेंज हो चुका है अभी लाइफ के अंदर मैं इतनी मेलो हो गई हूं मेलो एज इन लाइक

मुझे भी लगा आई मीन आई एम आई वाज इन बोर्न विद दिस 2014 जय हो रिलीज हुई थी एंड hmm. uh, मुझे पता नहीं मेरे लिए वो नॉस्टैल्जिया है अलग ही ठीक है मैं बचपन से फिल्में देखते आ रहा हूं एंड 2014 आई थिंक ऐसा साल था जहां पे हिंदी फिल्में जो थी ना आई माइट बी रॉन्ग हां कलरफुल लोग नहीं सोचते थे मतलब लोग मजे से काम कर रहे हैं फिल्म है ना मोम really? <laughs> जब वीडियो देखी तब उनको याद आया <laughs> उन्होंने रिंगटोन रखा था और जय हो के टाइम आई डोंट नो वाई भी अलग था एज एन ऑडियंस मैंने चेंजेस देखे फिल्मों में अभी आई लोग बहुत केयरफुल हो गए एक I don't know. So, नहीं नहीं the negative. So the thing about. is that uh, 2014 was the year uh, which also was the rise of social media. उसके पहले तक social media इतना नहीं था। मैं जानती हूँ क्योंकि I know uh, the repercussions that our movie had to face। आपने बात की उसके बारे So that that year was the rise of the social media where Instagram and all these things started, you know, coming up more and more। Salman sir के साथ आपने काम किया। hmm.

कोई भी ऐसी कोई नहीं हमेशा ऐसा है ऐसे ही कुछ ना कुछ मतलब कभी ना कभी कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई वो uh, ऐसे भी हुआ है कि मैं यूएस गई थी किसी काम से एंड आई वाज स्टक देयर फॉर समथिंग सो आई हैड टू कॉल हिम फ्रॉम देयर एंड ही अरेंज एवरीथिंग फॉर मी देन मतलब उन्होंने इमीडिएटली वहाँ पर उनके कोई फ्रेंड को कॉल करा उन्होंने मुझे कॉल करा एंड वॉट द सिचुएशन वॉज ही गॉट मी आउट ऑफ इट सो या ही लाइक यू कॉल हिम विथ एनी प्रॉब्लम्स एंड इफ इट्स इन हिज पावर ही विल मेक श्योर दैट यू आर आउट ऑफ इट Yeah. आपको क्या सीखने मिला सर से जब आपने इतना काम किया उनके साथ जय पे वो कहते हैं कि खुद पे काम करना बहुत जरूरी है आ, बाकी जो भी चीजें बाकी जो भी काम है वो सब होते रहेगा सो द बिगेस्ट प्रोजेक्ट यू शुड वर्क ऑन शुड बी योर से आपने पहले भी प्रोजेक्ट्स में काम किया जब खुद को फर्स्ट टाइम देखा था स्क्रीन पे hmm. क्या एग्जैक्ट फीलिंग थी आई I नो mean, खुशी होंगे बट हाँ. एक होते ना एग्जैक्ट फीलिंग कि इमोशनल हो गया है या कैसे था वो फीलिंग मैं तो प्रोसेस कर रही थी चीज़ों को कि हो क्या रहा है जब हमारी मूवी की स्क्रीनिंग भी हुई थी जब सेकेंड फर्स्ट स्क्रीनिंग सो आई वॉज लाइक एव एंड एवरी कमिंग एंड टॉकिंग टू मी ओ गुड वर्क यू लुक वेरी नाइस एंड दिस एंड दैट एंड ऑल सो आई वॉज लाइक थैंक यू थैंक यू थैंक यू द सेकेंड टाइम सेकंड स्क्रीनिंग जब हुई तब जब मुझे लोग आगे आई रिमेंबर मुझे अर्पिता ने बोला कि डेजी यू हैव टू रिएक्ट थोड़ा और ज़्यादा आई सड़ ओके 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 सो आई जैसे मैंने कहा कि वो मेरे लिए प्रोसेस करना थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज आई डेंट नो हाउ टू रिएक्ट आई एम नॉट यूज टू सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स तभी तो. अभी अभी हो? ना इट्स लाइक पहले ऐसा था कि कोई कॉम्प्लीमेंट देता था तो आई वॉज लाइक एंड देन द पर्सन वुड बी लाइक हेलो, आई जस्ट कॉम्प्लीमेंट एड एटली से थैंक यू सो एम लाइक नो नो आई एम नॉट नॉलीफाइंग वॉट यू हैव टोल मीज जस्ट आई एम ट्राइंग टू प्रोसेस इट्स नॉट दैट आई एम नॉट थैंकफुल अबाउट द कॉम्प्लीमेंट तो अभी

listen, first of all, you are interviewing in your life for the very first time with salman khan sitting next to you. now, you being a journalist, okay, you are a rj, but agar aap journalist, journalist you are chicaner. mujhe puchoge salman khan ko hmm. right. and because of the experience that he's had over so many years, he is more fluent with his answers. May, mere answer ka, aane to answer bhi ho jata tha. so, and i think it was good for me also because i have had

बिजी इतने चल रहे हो कि आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं है राइट एंड समटाइम्स वॉट हैपन्स दैट पीपल फगेट द फैक्ट दैट एन एक्टर इज ऑल्सो ह्यूमन उसके भी इमोशंस है वो भी कभी मूड स्विंग्स से जा सकता है या जा सकती है अब मैं ये ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि जैसे अगर कोई आया आपके पास और आपसे पिक्चर मांगा और विदाउट इवन योर नॉलेज आपने मना कर दिया होगा कि hmm. नहीं

नहीं इनफैक्ट मुझे हमेशा बताया गया था कि डेजी uh, अब तू हीरोइन है थोड़ी हीरोइन की तरह बिहेव कर सो so, <laughs> अब ये सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैं बता सकती हूँ अब इससे आप गे जी कर लो बट आई आई डोंट नो मैं मैं प्रिटेंस में नहीं जी सकती आई I मीन mean, मेरा वर्क मेरा जो काम है वो एज एन एक्टर का है बट इन रियल लाइफ आई एम एज नॉर्मल एज नॉर्मल पर्सन एज मैंने अभी जितने बात की ना हाँ

करीब क्यों ना हो कभी कभी क्या होता है कि सबके लाइफ के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं जो डील थिंकिंग अबाउट देयर ओन के वो लोग कैसे डील करें और आप जितना ज्यादा खुलने की कोशिश करते हो ना लोगों को उतनी रीजन uh, मिल जाते हैं आपको स्क्रूटिनाइज करने के लिए आई थिंक आपने फिगर आउट कर लिया ना एक, एक...

बहुत सारी है यार, कोई यार, desires, desires कम, है कम कम है ह्यूमन कभी कभी खत्म होते हैं कम मेरा सबसे बड़ा डिजायर लाइफ का ये कि मैं रेस्क्यू सेंटर ओपन फॉर एनिमल्स लाइक आई ऑलवेज दिस एंड मतलब उसका भी रेडी मेरे दिमाग में बट इट्स जस्ट इट आई था अपने पिक्चर्स एंड वीडियोस डाले थे थियो पेट्स उनके hmm. नाम क्या उनके बारे में बताओ थियो एंड मिको एंड उनके एज क्या थियो इज 3 इयर्स हु इज लाइक हु लुक्स लाइक अ शिजू एंड द अदर वन इज वाइट विद लिटिल ग्रे इयर्स उसका नाम मिको है ही इज 2 इयर्स ओल्ड एंड दे आर ब्रदर्स मेरे पास एक प्रॉब्लम है hmm. आपको इसका सलूशन देना okay. ठीक है okay. कि मैंने रवीना मैम के साथ भी डिस्कस किया था मेरे डैड जब बचपन में

तो शी उसको कुत्तों से इतना डर लगता था इतना डर लगता था कि मैं बता नहीं सकती लाइक आई हैड अ चुआवर बिफोर थी एंड मी को शो ऑज दिस शी नीओकेज लाइक लिटिल बिगर देन द कप दप प्रबली वो मेरे घर नहीं आती थी बोले नहीं तेरे घर नहीं आऊंगी तेरे घर पर डॉगे हम लोग नहीं थे मैं नहीं आऊंगी मेरे को बहुत डर लगता है टूडे hmm. आज उसके घर में एक बीगल है हु इट्स लाइक दैट बीगल उसका नाम बकेट है वो उसका बेटा है बेटा लाइक like लिटरली उसके मुंह में हाथ डाल के निवाला तक निकाल लेती है वो उसके उसके बम को पोचती है लाइक like, ग्रूमिंग से लेके एवरीथिंग लाइक इवन दैट बीगल स्लीप्स विथ हर हिज बम फेसिंग अ फेस एंड शी इज ओके विद दैट एंड आज जब मैं उससे बात करती हूँ और मैं उसको बोलती हूँ कि गजी जब मैं तुझे बोलती थी कि डॉग द मिनट यू एक्सपीरियंस अ पेट लव यू विल नेवर वॉन्ट टू गो बैक टू एनीथिंग एल्स एंड शी इज लाइक शी टोल्ड मी के डेजी

<laughs> नहीं यार मैंने देखा ये वैनचुअली ना कोई भी अगर आप पेट को घर पे लाते हो ना घर वाले एक्सेप्ट कर ही लेते हैं यार माय मॉम शी इज़ लाइक नहीं नहीं अभी घर के अंदर कुत्ता है ना तो तेरे को घर से मैं बाहर निकाल दूंगी एंड टुडे आई हैव टू पेट्स इन माय हाउस एंड शी जब हम घर पे नहीं होते तो मॉम इज़ द फर्स्ट पर्सन टू मेक श्योर कि उनको खाना टाइम पे मिला है उनको साफ बराबर किया हुआ है वो लोग नीचे जाकर आए हैं डिड दे, दे गो फॉर देयर वॉक एंड ऑल दैट सो सम हाउ दे ऑल दे ऑल लव एनिमल्स एंड वी ऑल हैव इट इन अस खाली उसको थो थोड़ा तो एक ट्रिगर देना पड़ता है हाँ, अब बचपन से आपको ये पेट्स वगैरह बहुत पसंद हाँ, है पापा इट्स कम टू मी फ्रॉम पापा या या एंड अब मॉम की बात कर रहे थे बट ऐसे बीच में कभी होता नहीं है अरे ये घर पे इतना गंदा कर दिया वो होता है ना छोटी छोटी मोटी चीजें नहीं मतलब अगर होता भी है तो मम्मी बोलती है कि आज ही बोल रही थी सो द लिटिल वन समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट ही पीस इन द हाउस इट्स फाइन आई एम ओके आई एम लाइक माई मॉम ऑल्सो टोल्ड मी हाँ वो दीवार पे करेगा वो साफ हो जाता है अगर दरवाजे पे करेगा मतलब एनी हार्ड सोफेजन क्लीन एड ऑफ बिकॉज इट डीव एनी स्टेन और इट stink. इफ he पीज ऑन द सोफा इफ he पीज ऑन द बेड then इट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज इट टेक्स अ lot ऑफ टाइम फॉर the ओडर टू गेट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस तो आज जब मम्मी को मैंने बोला नहीं आज तो दीवार पे किया तो मम्मी ने कहा हाँ ठीक है फिर वो तो साफ हो जाता है वहां से बांस नहीं आती है सो so, Yeah. अभी वो हो गया मतलब सॉल्व yeah. हो गया वो या yeah. yeah. uh, मम्मी के मैं बात करना चाहूंगा हाउ से इक्वेशन मतलब मोहम्मद से बहुत चल है फ्री है कि थोड़ी शी इज वेरी चिल शी इज आई थिंक शी इज 10 टाइम्स मोर एडवांस देन अस शी इज लिविंग इन द रॉन्ग एरा क्यों ऐसे एग्जांपल शी इज वेरी फ्री शी इज वेरी ओपन माइंडेड लाइक बट दैट्स आल्सो बिकॉज़ मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों वी हैव बीन वेरी एक्सप्रेसिव टुवर्ड्स हर मतलब हमने कभी भी कोई चीज़ मम्मी से छुपाई नहीं हम कहीं जा रहे तो पहले से अगर क्लब भी जा रहे तो मम हैज़ बीन इंफॉर्म डेट वी आर गोइंग टू द क्लब अगर हम कोई लड़के के साथ भी जा रहे तो शी इज़ बीन इन्फॉर्म डेट वी आर गोइंग विद दिस पर्सन और ये पर्सन का नंबर है अगर कोई प्रॉब्लम है अगर मेरा फोन नहीं लग रहा है तो इसको कॉल कर लेना सो वी हैव आई थिंक दैट्स द ट्रांसपेरेंसी दैट वी हैव ऑलवेज केप्ट विथ हर दैट्स वाई शी इज़ वेरी ओपन बिकॉज शी नोज दैट अगर शी वट

माय डैड वाज कम्पलीटली अगेंस्ट इट बट इट वाज माय मॉम हु कन्विंस डैड एंड ही अंडरस्टूड के हाँ इंडस्ट्री ऐसी है लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी कहानियाँ बनती है कि इंडस्ट्री के लोग सही नहीं होते कभी भी लड़कियों के साथ गलत हो सकता है ये हो सकता है वो हो सकता है इट ऑल्सो अंडरस्टूड दैट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द गर्ल सो दी अंडरस्टूड दर डाइनिक्स ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज द डे वैन ही सेन यू जो सबसे पहले आपकी कमाई थी यू नो फ्रॉम प्रोफेशन क्या hmm. किया, मनी आपका कुछ रिएक्शन आया? मम्मी, Mummy... मम्मी <laughs> <laughs> मम्मी को दे मैंने, uh, और आज भी जो भी जो पैसे आते हैं, वो सब मम्मी के पास जाते है. Uh, ऐसे ऐसे बहुत प्राउड फीलिंग नहीं आती कभी एक दिन यू you नो know? कि हाँ मतलब आप समझ हो मैं क्या बोला एक hmm. होता है ना एक पेरेंट्स अपना एक फीलिंग होता है थिंग इज एवरीबॉडी इज वेरी इनएक्सप्रेसिव

तुमने मेरे लिए क्या किया तो वो तो तुमने तुम्हारे क्या रिस्पॉसिबिलिटी थी मुझे बड़ा करना मुझे खाना खिलाना इन दी लाइक नॉट इन रियल लाइफ आई एम वो खुशी के दिन स्लो मूव में चल के आ रहे ऐसी कोई चीज या क्वालिटी आपकी खुद की है जो आपको चेंज करनी है आई एम लिटल ऑर्गेनाइज फ्री तो वो एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी आई I मीन mean, काफी हद तक मैं लेट गो करती हूँ पर कभी कभी थोड़ा इरेटेट भी हो जाती हूँ बिकॉज आई एम समी हू ओसी नहीं बोल सकते लाइक आई इफ इफ द इज अ प्लेस बींग मेड फॉर अ मक टू बी कैप्ट आई वुड राधर प्रिफर द मक टू बी देयर देन टू बी कैप्ट एनी अभी ऐसा नहीं हो रहा है तीन बॉटल है वहाँ पे मतलब ऐसे है होता ना गीला टॉवल बेड पे गॉड महाभारत होता है घर में

मैं ही लेते रहो ऐसी कुछ आई <laughs> <laughs> पॉसिबल नहीं है बट hmm, पता नहीं ऐसे तो कोई एज आई सेड दैट माय अल्टीमेट गोल इन माय लाइफ इज टू सर्व एनिमल्स फॉर श्योर ऐसी कोई चीज जो आपको सीखनी है प्रिटेंस क्या प्रिटेंस व्हाई नहीं आता ना मुझे सीख भी नहीं पा रही हूं इतने 10 साल हो गए अभी भी नहीं सीख पाई बट सीखना भी नहीं चाहिए ना हां बट सिंस यू आस्क्ड मी सो आई एम आंसरिंग

से से कि उसके पहले से? नहीं नहीं आई 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 मीन मीन डोंट नो तब वो 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 मूवी में तो मैं डांसर थी सो दैट इज इज व्हाई क्योंकि मैडी तभी 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 और अभी ही 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 नॉट चेंज्ड एट ऑल हिज नेचर भी 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 वैसे ही थे, वो आज भी वैसे ही थे, वो भी वैसे थे 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 आज आज ऐसे ग्रीट करते जितना मैं से मिला। क्योंकि होते होते बहुत सारे

फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल द लव और सपोर्ट जो हमेशा से आप देते आए हैं दूसरी बात हमेशा अच्छी चीज़ें करें लाइफ के अंदर ऑल आई वॉन्ट टू से आप जो सपोर्ट हमेशा करते आए हैं वो उसे हमेशा बरकरार रखें एंड इफ़ नॉट डबल करते थैंक यू